70% स्ट्रेटजीज और प्लान फेल हो जाते हैं खराब एग्जीक्यूशन की वजह से। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक वीडियो बनानी है, अगर उसमें यूज होने वाला कैमरा, माइक, एक्टर और स्क्रिप्ट अच्छी होंगी और उनको अच्छी तरीके से यूज किया जाएगा तो वीडियो बनाने का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, जिससे वीडियो अच्छी बनेगी, और खराब होगा तो खराब बनेगी, यानी खराब एग्जीक्यूशन होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काम को करने का तरीका। मैं आपको वीडियो बनाना नहीं सिखा रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ अगर इस वीडियो में मैं एग्जीक्यूशन शब्द को यूज करूँ तो उसका क्या मतलब होगा। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। आज मैं आपको क्रिस मैकेंजी की बुक द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन से वो 4 डिसिप्लिन बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप या कोई भी इंसान अपने गोल सेट कर सकता है और उन्हें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सकता है। ये 4 डिसिप्लिन इतने पावरफुल क्यों है ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताता हूँ। क्रिस मैकेंजी ने अपने करियर की शुरुआत स्टीफन कवी के साथ फ्रैंकलिन कवी में की थी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर उन्होंने कई सालों तक सेन केवी और जिम होलिन के साथ 1000 से ज्यादा टीम और 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च की। उनमें 4 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, जिनमें पहली प्रॉब्लम है मैनेजर और उनकी टीम को पता ही नहीं था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरूरी लक्ष्य यानी इम्पोर्टेंट गोल क्या है। सिर्फ 15% इम्प्लॉय ही जानते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट गोल क्या है। नंबर 2, ज्यादातर इम्प्लॉयज नहीं जानते थे कि वो कौन सी एक्टिविटी या एक्शन है जिनको लेने से हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, ज्यादातर इम्प्लॉयज अपने स्कोर नहीं जानते थे, मतलब कि उन्होंने कितना काम कर लिया अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और वो कितना दूर है अपने लक्ष्य से और सक्सेसफुल होने से। नंबर 4, 10% से भी कम इम्प्लॉयज अपने मैनेजर से अपनी प्रोग्रेस और गोल के बारे में बात करते थे। गाइज, आपने प्रॉब्लम तो जान ली, अब सॉल्यूशन भी जान लीजिए। डिसिप्लिन नंबर 1, फोकस ऑन योर वाइडली इम्पोर्टेंट गोल, जिन्हें हम शॉर्ट में विग कहेंगे। गाइज, मुझे बताइए, अगर आप एक ही समय पर कार भी चलाएंगे, बर्गर भी खाएंगे और फोन पर भी बात करेंगे तो क्या आप उन तीनों पर 100% ध्यान दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपका ध्यान 3 जगह बट जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी एक काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ना ही ड्राइविंग ठीक से कर पाएंगे, ना ही फोन पर बोल रहे इंसान की बातों पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही खाना खा पाएंगे। यही बात मैकेंजी समझाते हैं कि हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, तभी हम उस पर अपना 100% ध्यान दे पाएंगे। वाइडली इम्पोर्टेंट गोल यानी ऐसा गोल जो बाकी दूसरे गोल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हर एक गोल वाइडली इम्पोर्टेंट गोल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना भी करें तब भी काम चल जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर काम करना ही होगा। वही आपके विग यानी वाइडली इम्पोर्टेंट गोल हो सकते हैं। अपने विग पर काम करते समय जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ऑथर ने उनको नाम दिया है व्हर्लविंड, जिसका हिंदी में मतलब होता है बवंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज का विग सेट किया अपनी प्रोजेक्ट फाइल को कम्प्लीट करना। जब आप उस पर वर्क करते हो और उस बीच कोई और भी आपको अपना काम बता दे, या फिर कोई दूसरा काम आपको याद आ जाए, या फिर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने विग से हट जाए, उन सबको वर्ल्डविंड कहते हैं यानी बवंडर, जिनसे हमें बहुत दूर रहना है ताकि हम अपने विग यानी वाइडली इम्पोर्टेंट गोल को अचीव कर सके। मैं समझता हूँ आपके पास एक साथ बहुत सारे गोल होंगे अचीव करने के लिए और वो सब के सब इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं, पर अपने गोल को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि आप उनमें से कोई एक या 2 सेलेक्ट करें और फिर उन पर काम शुरू करें। ऐसा नहीं है बाकी के गोल आपको छोड़ने होंगे या उनको भूलना होगा, बस अभी के लिए उनको होल्ड पर रख दीजिए ताकि आप अपना काम इफेक्टिवली कर सकें। किसी काम को इफेक्टिवली करने के लिए जरूरी है कि आप उसको अपना 100% फोकस दें। अपने विग को जान लेने के बाद अब जानते हैं कि कैसे अपने विग को इफेक्टिवली सेट करें, और इसके लिए ऑथर ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, फ्रॉम एक्स टू वाई बाय व्हेन। यहाँ पर एक्स आपकी करंट पोजीशन है और वाई आपका गोल या टारगेट जो आपको हासिल करना है। When एक डेडलाइन या डेट है जो आपने खुद को समय दिया है कि इस डेट तक मुझे ये चीज हासिल करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स 55% के आसपास आते हैं। आपने सोचा अब मैं स्टडी करूंगा और अपने मार्क्स 55% से बढ़ाकर 70% कर लूंगा आने वाले एग्जाम में। तब आप अपने इस गोल को इस तरह लिख सकते हो, फ्रॉम 55% टू 70% बाय दिसंबर 2020। और ये चीज आप किसी पेपर पर लिखकर अपने वॉल या डेस्क पर लगा सकते हो ताकि हर सुबह हर रोज आपको याद आता रहे आपका वाइडली इम्पोर्टेंट गोल, और इस तरह आप वर्ल्ड विंड यानी बवंडर की प्रॉब्लम से भी बचे रहोगे। अपने गोल को सेलेक्ट करते हुए और सेट करते हुए एक बात का ध्यान रखना, आपका गोल मिजरेबल होना चाहिए। किसी चीज को मेजर करना यानी उसको मापना, ये पता लगाना कि कोई चीज कितनी है। जैसे आप कहते हो मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये मिजरेबल नहीं है, लेकिन जब आप कहते हो मुझे अपने मार्क्स 70% करने हैं तब ये मिजरेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अमीर बनना है, पर वो कभी नहीं सोचते कि अमीर कहलाने के लिए उन्हें कितने पैसों की
की जरूरत है। मैकेंसी के पहले डिसिप्लिन को अच्छे से अप्लाई करने के लिए आपको चार रूल्स फॉलो करने होंगे। नंबर एक, आप या आपकी कोई भी टीम दो से ज्यादा वीक्स पर काम नहीं करेगी। ये रूल इसलिए बनाया ताकि आपका और आपकी टीम का फोकस जरूरी चीजों पर रहे। नंबर दो, जो सा गोल भी आप सिलेक्ट करें उसको पूरा करना ही होगा। ये रूल बनाया गया ताकि आप उस चीज पर टाइम वेस्ट ना करें जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं सकते। नंबर तीन, सीनियर लीडर रिजेक्ट कर सकता है पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। नंबर चार, सभी विग्स की एंड डेट या डेडलाइन होना जरूरी है, जैसे हमने फॉर्मूला फ्रॉम एक्स टू वाई बाय वेन में सेट की थी। ये रूल बनाया गया ताकि आप और आपकी टीम बवंडर से बचे रहें और समय रहते अपने गोल को पूरा कर लें। डिसिप्लिन नंबर टू, एक्ट ऑन दी लीड मेजर्स। डिसिप्लिन वन में अपने विग को सेट करने के बाद डिसिप्लिन टू में आपको पता चलेगा कैसे एक सही रास्ता चुने अपने गोल को अचीव करने के लिए। अपने विग पर काम शुरू करते ही आपको दो तरह का आउटकम या रिजल्ट मिलेगा, जिनमें से एक होगा लैग मेजर्स और दूसरा होगा लीड मेजर्स। लैग मेजर्स बेसिकली आपका टारगेट है जो आपको हासिल करना है, और इस टारगेट को हासिल करने के लिए आप जो एक्शन, टाइम और एनर्जी लगाने वाले हो वो होगा लीड मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने विग सेट किया अपना वजन 110 किलोग्राम से घटाकर 75 किलोग्राम करना है अप्रैल 2020 तक। तो इस विग में 110 किलोग्राम आपका लैग मेजर है, और वजन घटाने के लिए आप कितने दिन डाइट पर रहने वाले हो और कितने टाइम तक एक्सरसाइज करने वाले हो वो हुआ आपका लीड मेजर्स। इन दोनों में से लीड मेजर ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल होता है। लीड मेजर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि अब आप अंदाजा लगा सकते हो अगर मैं 3 दिन की डाइट और हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करने पर 7 दिन में 2 किलो वजन घटा सकता हूं, तो अगर अगले हफ्ते मुझे 5 किलो वजन घटाना है तो मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी होगी और कितना डाइट पर रहना होगा। आपने दो डिसिप्लिन जान लिए, दो और रह गए बस। नंबर तीन, कीप ए कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। इमेजिन कीजिए आप एक रेस में दौड़ रहे हो। अगर आपको पता ना हो कि रेस कितने किलोमीटर की है और रेस को जीतने के लिए और कितनी दूर दौड़ना है, तो क्या ऐसी रेस में दौड़ते हुए आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आप कुछ देर तक दौड़ते रहोगे, फिर उसके बाद थककर हार मान लोगे। लेकिन जब आपको पता रहता है कि रेस 2 किलोमीटर की है और आपने ऑलरेडी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तब अगर आप थक भी जाते हो तब आपके अंदर से एक आवाज आती है कि थोड़ा और दौड़ ले, प्लीज थोड़ा और दौड़ ले, 1 किलोमीटर तो रह गया, जीत जाएगा, थोड़ा और दौड़ ले, बस थोड़ी दूरी पर ही मंजिल है। यही बात ऑथर ने डिसिप्लिन नंबर 3 में समझाई है कि हमें अपने स्कोर नोट करते रहना चाहिए। इससे हम इंगेज रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और काम में उत्साह बना रहता है। कभी नोटिस करना जब आपको पता रहेगा कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या फिर आप अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, तब आप बहुत सीरियस होकर काम करते हो और पूरे फोकस के साथ अपने गोल पर काम करते हो। बवंडर भी आपको रोक नहीं पाता। गाइज, आपने जो विग सेट किया था फॉर्मूला फ्रॉम X to Y by when की हेल्प से, उसके लैग और लीड मेजर्स को किसी चीज पर लिखकर अपने डेस्क या वॉल पर लगा दें, ताकि हर रोज आपके याद रहे कि आज आपको क्या करना है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए। डिसिप्लिन नंबर 3 को अप्लाई करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली, आपका स्कोर बोर्ड सिंपल होना चाहिए, जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है और आप उससे कितना दूर हो और कितना पास हो। दूसरा, अगर आप किसी टीम के साथ काम करते हो तो आपका स्कोर बोर्ड सभी के लिए विजिबल होना चाहिए, ताकि आपकी टीम जान सके कि हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं या फिर उससे भटक रहे हैं। तीसरी, आपके स्कोर बोर्ड में लैग और लीड मेजर दोनों होने चाहिए। स्कोर बोर्ड पर डिटेल शो करने के लिए आप बार चार्ट या पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। डिसिप्लिन नंबर 4, क्रिएट ए रिदम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पहले 3 डिसिप्लिन हेल्प करते हैं फोकस, क्लियरिटी और इंगेजमेंट लाने में, पर ये डिसिप्लिन हेल्प करता है वो करने में जो आपको करना चाहिए अपने वीक को अचीव करने के लिए। डिसिप्लिन 4 में ऑथर ने कहा है, आप एक बार हफ्ते में 20 से 30 मिनट की मीटिंग रखिए, जहां पर आपके टीम मेंबर अपने लीडर से पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया और आने वाले हफ्ते में वो क्या करने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे। इस डिसिप्लिन की हेल्प से आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो और फ्यूचर प्लान को डिसाइड कर सकते हो। मीटिंग में बैठने से पहले हर एक टीम मेंबर को खुद से एक क्वेश्चन करना होगा, वो कौन सी एक या दो चीजें हैं जो मैं इस हफ्ते कर सकता हूँ लीड मेजर पर प्रभाव डालने के लिए, अच्छे बदलाव लाने के लिए। ये मीटिंग ही वो बड़ा फर्क है जो बताता है कि कौन सी टीम फेल है और कौन सी टीम सक्सेसफुल होगी। ये मीटिंग इतनी जरूरी है, अगर किसी वजह से लीडर ना आ सके तब भी टीम मेंबर्स को इसमें आना होगा, और हर बार ये मीटिंग सेम डे और सेम टाइम पर होनी चाहिए, ताकि टीम मेंबर वर्ल्ड विंड यानी बवंडर
एनर्जी की प्रॉब्लम से बचे रहें। ऑलराइट गाइस, डिसिप्लिन नंबर 1 में हमने जाना अपनी सारी एनर्जी और फोकस उस चीज पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक या दो गोल सेलेक्ट करें जिनको आप सबसे ज्यादा अटेंशन और एनर्जी दे सको। डिसिप्लिन नंबर 2 में हमने जाना अपने वाइडली इम्पोर्टेंट गोल को ढूंढने के लिए, ऐसा कौन सा गोल है जिस पर काम किए बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा गोल जो दूसरे गोल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर एक्शन लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। डिसिप्लिन नंबर 3 में हमने जाना सभी को अपने स्कोर पता होने चाहिए ताकि वो ये जान सके कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और फाइनली डिसिप्लिन नंबर 4 में हमने जाना कैसे सभी के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज करना है, जिसके लिए हम हर हफ्ते एक ही टाइम एक ही समय पर एक मीटिंग रखते हैं जहां पर सभी टीम मेंबर बताते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया और अगले हफ्ते वो क्या करने वाले हैं अपने विग को अचीव करने के लिए। गाइस, अगर ये 4 डिसिप्लिन आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो गारंटेड आपको सक्सेस हासिल होगी। आपके साथ साथ मैं भी ये 4 डिसिप्लिन अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गोल का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।